सट्टा गिरोह के दो सदस्य गिरफ्तार, देहात पुलिस को मिली सफलता। राजस्थान से आकर देहात थाना क्षेत्र में चलाते थे सट्टा। 9,060 रुपये नकद सहित एक कार कीमती करीबन 7 लाख रुपये पुलिस ने किया जब्त। पुलिस अधीक्षक आलोक कुमार ने बताया कि विगत कई दिनों से देहात क्षेत्र शिवपुर में सट्टा चलने की सूचनाएं पुलिस को मिल रही थी, जिस पर से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र तोमर की निगरानी एवं SDOP शिवपुर राजू रजक के निर्देश में थाना प्रभारी देहात राहुल रघुवंशी को देहात क्षेत्र में चल रहे सट्टे पर कार्यवाही करते हुए निर्देशित किया गया था, जिसके पालन में थाना प्रभारी राहुल रघुवंशी द्वारा तत्काल प्रभावी कार्यवाही करते हुए सट्टा पर कार्यवाही हेतु टीम गठित की गई एवं मुखबरी तंत्र को सक्रिय किया गया। टीम द्वारा कल दिनांक को मुखबरी सूचना पर से पुलिस टीम द्वारा ग्राम ननाबद में दबिश देकर बस स्टैंड के पास से आरोपी हेमंत पुत्र चीतरलाल जग रूठिया उम्र 38 साल निवासी कुआं के पास इटावा जिला कोटा राजस्थान व रिंकू पुत्र बद्रीलाल सुमन उम्र 25 साल निवासी शारदा स्कूल के पास इटावा जिला कोटा राजस्थान को गिरफ्तार किया गया, जिनके विरुद्ध कार्यवाही कर मौके पर 9,060 रुपये नकद व एक कार कीमती करीबन 7 लाख रुपये 4 डॉट व उक्त दोनों आरोपी से पेन 2 डायरी 2 सट्टा पर्ची कुल रकम 7,09,060 रुपये जब्त की गई है। पूछताछ की गई तो उनके द्वारा राजस्थान से आकर थाना देहात क्षेत्र के ग्राम ननाबद व अन्य गाँवों में सट्टा खिलवाना कबूल किया गया। आरोपियों के खिलाफ थाना देहात में अपराध कायम किया गया, सट्टा एक्ट कायम कर विवेचना की जा रही है। शिवपुर से संवाददाता गोविंद गर्ग की रिपोर्ट। थाना प्रभारी देहा और थाना प्रभारी कोतवाली उनकी टीम को लगाया गया था। आज उसमें सफलता मिली है। इस टीम ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है जो पुलिस स्टेशन टिकावा कोटा जिले के रहने वाले हैं। दोनों हेमंत और रिंकू, इनके इन लोगों से 10,000 रुपये नकद जब्त हुआ है और एक करीब 7 लाख रुपये कीमत की गाड़ी भी जब्त हुई है और गुला खिलाने में जो सामग्री इनकी रहती है वो तमाम सारी। ये लोग एक क्या नाम बताया उसको, बरेली दुआ जो खिलाते हैं उसको बरेली कहते हैं। उसमें एक पेपर पर 10 कॉलम बना के 10 लोगों को एक साथ उसमें दाव लगवाते हैं और फिर उसमें से एक आदमी का दाव निकलता है। इस तरह से ये 9 लोगों के पैसे खा जाते हैं और एक आदमी को लगता है। तो इस तरह से इनका सिलसिला चलता रहता है और इनका प्लान ये था कि पूरे देहात में अपना ये नेटवर्क फैलाएँ और लोगों को ला के और ये सिस्टम को अपना आगे। इसमें सबसे अच्छी बात ये रही कि इस टीम को पकड़ लिया गया है और अब जो इनका प्लान था वो लगभग ध्वस्त हो गया है। हम लोग और इन पर निगरानी रखेंगे कि इनके कोई और साथी लोग क्षेत्र में कहीं एक्टिव तो नहीं है। सर इनका कोई पुराना रिकॉर्ड है इसके ऊपर? इनका पुराना रिकॉर्ड देखा जाएगा। इटावा पुलिस स्टेशन में उनको नाम से भी लेंगे। हमारे यहाँ पर कुछ रिकॉर्ड है नहीं इनका। राजस्थान में अगर इनका कहीं रिकॉर्ड होगा तो वो भी।